किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 लाख किसानों का हरियाणा में पैसा उधार किया है। किसानों की बात करते हो तो आपसे पूछना चाहिए कि जो दामाद के लिए किसान की जमीन होती है आपको हाथ और यहाँ था जैसी वही हर की सवाल यहाँ पर हमारे आताएं पहले बुजुर्ग नौजवान साथी 2 घंटे से ज़्यादा समय हो गया बैठे हुए थे रानी की 2 घंटे लेट आई और अगली बार जो चुनाव का दुर्भाग्य रहता है या विपक्ष का विधायक बनकर आता है उसकी बात सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बन रही है और विधायक भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विजय होकर जाएगा। रानी ने पूरी कर दी है, मोदी जी की भी रैली होने वाली है इलाके में, क्या क्या असर पड़ने वाला है? विपक्ष का तो रावण खान लिख गया, यहाँ का सेनापति जो कांग्रेस का सेनापति था वही सेना को छोड़कर भाग गया। जिस जहाज का कैप्टन ही जहाज को छोड़ के भग जाएगा वो जहाज को डूबेगा और जिस बस का ड्राइवर बस को छोड़कर भग जाएगा तो एक्सीडेंट होगी। तो ये तो कांग्रेस में अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा साहब ने अपनी मन की बात बताई थी कि हमारी को 14 सीटें आ रही हैं। जब वो क्योंकि 14 कह रहे हैं तो कितनी सीटें आएगी? हम तो 75 पार कह रहे हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देखोगे कितने केसेस चल रहे हैं, उनसे कितनी FIR हुई पड़ी है, ये तो सारा आप लोगों से कुछ छुपा थोड़ी है। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को सबको पता है। जन समर्थन तो मिल रहा है लेकिन क्या पार्टी के लोगों का समर्थन मिल रहा है? नहीं, पूरा समर्थन मिल रहा है पार्टी के। इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेगा जो रिकॉर्ड रहता है सत्ता के। देखो अब तक तिगाव इतना बड़ा गांव है यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, तो अब की बार तिगाव से ही विधायक चुन कर जाएगा। भारतीय जनता ने ठान लिया है या 22,000 के करीब वोट है। देखो हमारे हरियाणा को 50 साल से ज़्यादा हो गए, हमारे पिछले 5 सालों में जितने विकास कार्य हुए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री किशन पाल जी के राजा एक नीचे कर जैसे पंजाब जी का पुल, सड़कों का जाल। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।